वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और अब का टॉपिक जो है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, बहुत इन्फॉर्मेटिव भी इस तरह से होने वाला है कि हम बच्चों की पढ़ाई की सारा कुछ बात करते हैं, लेकिन एट द एंड हम उनके किरदार साजी या उनकी तालीम व तरबियत, उनके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी, इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं या निगलेक्ट कर देते हैं। इंस्टीट्यूशंस, इदारे, जो आपके जो कहने सारे स्कूल सेटअप्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, किस तरह से इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, इस पर आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे बिलाल अहमद ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फायदा फाउंडेशन के और सर्टिफाइड ट्रेनर हैं फॉर स्पीड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दुबई से। उनको हम वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। हम बात करते हैं नौजवान नस्ल की या यूथ की, बेसिकली ये हर जो कहने एक मुल्क की रीढ़ की हड्डी या बैकबोन है, इसको किस तरह से हमने एक प्रॉपर जो कहने डगर पे लेके जाना है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आवाज हम कहाँ से लें? आगाज़ यहाँ से करना चाहिए, पहले तो एक मिथ ब्रेक करनी चाहिए। जब भी हम स्टूडेंट का नाम लेते हैं तो उसके साथ एक सिर्फ शायद उसकी पूरी लाइफ का पर्पस एक स्कोर करना, ग्रेड्स लेना और एग्जाम्स पास करके एक गुड जॉब्स की तरफ चले जाना। मेरे ख्याल इस मिथ को ब्रेक करना पड़ेगा हमें सबसे पहले, और उसके अंदर उसे एक स्टार्ट अर्ली एज के अंदर उसे कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अवेयर करना पड़ेगा। और बहुत बड़ा इसमें रोल है, मैं चाहूंगा आपके चैनल से वसातस और मैं जरूर मुबारकबाद भी इस चैनल को दें। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम जिसके अंदर स्टूडेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आपने की है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एज यू सेड अर्लियर कि मुआशरा अच्छा तश्कील देने के लिए आपको उस यूथ को तैयार करना पड़ता है। उस यूथ को अगर आप सिर्फ स्कोरिंग मार्क्स और ग्रेड्स और जॉब के लिए प्रिपेयर करेंगे तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से बाहर नहीं निकलेगा। तब जब वो अपने मार्शे में जाकर रहेगा तो उसे सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट से बस कंसर्न होगा, दैट्स इट। और आजकल ज्यादातर बिलाल सारी जनरेशन में यही प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली आ गया है। हम लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम भी शेयर कर रहे थे कि 18,000 से ज्यादा मखलूकात, हर दो मखलूक कंट्रीब्यूट कर रही है इन दिस यूनिवर्स। तो आप उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इंसान है, जो एज अ स्टूडेंट प्रिपेयर होकर मार्शे में आ रहा है, उसको आप अगर एहसास जिम्मेदारी से महरूम रखेंगे तो मेरा ख्याल है ना उस साथ पे, उस स्टूडेंट पे, बल्कि इस माशरे पे बहुत बड़ा हम जुल्म करने जा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट इदारों से भी, आपके चैनल की वसातत से, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से भी, कि एसएसआर स्टूडेंट सोशल रिस्पांसिबिलिटी को जरूर करिकुलम का हिस्सा बनाया जाए। उनको अर्ली एजेस में बताया जाए कि आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यू हैव टू स्पीक, एक्ट, थिंक लाइक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अगर वो एक जिम्मेदारी के साथ ये चीजें नहीं करेंगे तो आपको माशरे का वो खूबसूरती, वो माशरे के अंदर केयरिंग शेयरिंग का एलिमेंट वो नहीं नजर आएगा। और वो जो हमें नहीं नजर आ रहा आजकल सारा, उसका सारा फोकस सिर्फ मार्क्स लेने के ऊपर आ गया है और वो सोशल रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हो रहा। हमने उसको बताना था कि आपने जब बेटा स्कूल के लिए निकलना है, टाइम, डिसिप्लिन, सिग्नल वायलेशंस, ये आपने चीजों को खुद देखना है और इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह एक्ट करना है। वो मुआशरे में कहीं भी वो चीज हमारे पास नहीं शो आ रही। मिसिंग कहाँ से हो रही है? आगाज उसका, मैं एक चीज कहता हूँ उसको, आगाज हमने जब करना है सारी बात जब मुआशरे की करते हैं, मेरा ख्याल है घर के बाहर कुछ नहीं बदला, घर की चार दीवारी के अंदर सब कुछ बदल गया। हमें वहां से शुरू करना पड़ेगा जो आपने बात की है। वो जिम्मेदारी हमें टेकअप करनी पड़ेगी कि आप उन बच्चों के अंदर एक एहसास जिम्मेदारी पैदा करें जो हम नहीं कर पा रहे। आपके साथ सारे दिन की बहस बच्चे के साथ क्या है? क्या टेस्ट ले आए हो, कैसे मार्क्स ले आए हो, कैसा स्कोर हो गया, बच्चे साथ वाले कर लिया, तुम्हारा जो क्लास फेल था उसके कितने मार्क्स, कितने मार्क्स आ गए, दैट्स इट। आप उससे कोई एक हुस्ने मुआशरत के ऊपर बात ही नहीं उसके साथ कर रहे हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ही उसके साथ जा रहे थे, तुमने किस तरह से बिहेव किया, टीचर के साथ क्या बात हुई, मतलब ये चीजें तो नहीं, आपका दिन कैसा गुजरा आप उसका शेयरिंग है। मेरा ख्याल है एज अ स्टूडेंट, अगर हम स्टूडेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो स्टूडेंट की तीन चीजें हैं, द नॉलेज, द पैशन एंड द स्किल्स, इन तीनों चीजों को ह्यूमैनिटेरियन गोल्स अचीव करने के लिए स्पेंड करना पड़ेगा आपको। उसको सिखाना पड़ेगा कि अपना नॉलेज, अपने स्किल्स और अपना पैशन आप सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, नॉट जस्ट फॉर गेटिंग द जॉब्स। तो वो जो एक करियर प्लान हर वक्त हम शेयर कर रहे होते हैं, उसको एक लाइफ प्लान देना पड़ेगा जिसके अंदर मेरा ख्याल है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जो डिस्कस होना चाहिए स्कूल लेवल। अच्छा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिलाल बहुत इनिशियल लेवल से शुरू होती है, चाहे बच्चा जब छोटा हो, स्कूल गोइंग भी ना हो, आप उसको छोटी छोटी चीजें बताते हैं और इवन अपने जेस्चर से उसको बराबर कराते हैं, लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली हम सब लोग खुद उस चीज से लैग करते हैं, हमें सब आगाज अपने आप से करना है, उसके बाद बच्चों को करना है। तो हमेशा कहा करता हूँ हर फोरम के ऊपर कि बच्चे ने हमसे सीखना है, बिल्कुल हमारे जेस्चर उसको शो नहीं हो रहे। हमारा एक प्रोग्राम है एसएसआर ट्रेनिंग वर्कशॉप, जो फायदा फाउंडेशन इस प्रोग्राम को हर महीने एक ट्रेनिंग वर्कशॉप हम करते हैं एसएसआर ट्रेनिंग वर्कशॉप के नाम से।
ہم اسکولس کالج یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس بلاتے ہیں. لاہور میں ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے مینجمنٹ ہاؤس, ہم انہیں وہاں ایک ون ڈے ٹریننگ ورک شاپ کرتے ہیں. اس میں ہم ان کو سوشل رسپانسبلٹیز کے بارے میں اویئرنیس بھی دیتے ہیں, پھر ہم انہیں ایک سوشل پروجیکٹ دیتے ہیں جس کی آپ نے بات کی کہ وہ کیئرنگ شیئرنگ والے فیکٹر میں کیسے رسپانسبلٹی پوری کرے گا. ہمیں ایک اس کے لیے ہم نے ایک بینک ڈیولپ کیا ہے, اسٹیشنری بینک, فائدہ اسٹیشنری بینک کے نام سے. یہ اسٹوڈنٹس باہر نکلتے ہیں, اسٹیشنری اور وغیرہ دوسروں کے لیے ان سے کلیکٹ کرتے ہیں, کمپنیز کے پاس جاتے ہیں, انہیں کہتے ہیں اسکولز اڈاپٹ کریں فور اسٹیشنری بینک. ہم ان سے جب وہ یہ چیزیں کرواتے ہیں تو وہ سوسائٹی میں جا کے بہت سی چیزیں لرن کرتے ہیں کہ ہمیں ذمہ داری کو پورا کیسے کرنا ہے. جو آپ نے جیسچر کی بات کی, وہ ایک دفعہ ہم لوگ ایک جگہ پر اسکول میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے تو ایک والنٹیئر نے مجھے کہا, سر یہ دیکھیں بچہ مجھے کیا بات کر رہا ہے, جو آپ جیسچر کی بات کر رہی ہیں. تو اس نے مجھے پوچھا, میں نے کہا کہتے صاحب اس سے پوچھیں یہ بڑا ہو کے کیا بنے گا. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے. تو وہ جو والنٹیئر ساتھ کہتا ہے میں ان جیسا بنوں گا. میں نے کہا وائے؟ تو یہ نہیں کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے. میں نے کہا آپ نے ایسا کیوں بننا ہے؟ کہتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگے, یہ ہیلپ کریں نا, میں بھی بڑے ہو کے نا دوسروں کی ہیلپ کروں گا. دیٹ از دا احساس ذمہ داری جو آپ بڑے جسٹر سے شو کریں گے, بچہ آپ سے سیکھے گا اور پھر وہ آگے اسی چیز کو ریپلیکیٹ کرے گا. اس کے لیے بلال شاید اویئرنیس دونوں سائڈس پہ چاہیے, چاہے وہ پیرنٹس ہیں چاہے وہ بچے ہیں. کسی ایک پہ ہم ریسپانسبلٹی نہیں, یا ٹیچرس پہ یا اسکولس پہ انسٹیٹیوشنس پہ ہم نہیں ڈال سکتے, آپ نہیں ڈال سکتے. ہاں ایک چیز ضرور ہو سکتی ہے آپ کی, اب تو پاکستان میں ایسے بہت سی فاؤنڈیشن بن چکی ہیں, بہت سے ایسے ادارے ہیں جو سوشل ریسپانسبل کے اوپر بچوں کو ایک اویئرنیس احساس سے ذمہ داری کے دیتے ہیں, وہ انڈر پرویلیج کلاسز کے لیے کام کریں. آپ ان بچوں کو ان آرگنائزیشن کا حصہ بنائیں, وہاں پہ انیشیٹیوز ہیں, وہاں پہ ایسے پروگرامز ہیں کہ وہ اس کو ساتھ سپورٹ کر سکتے ہیں, وہاں پہ انٹرنشپس کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے بلکہ یونیورسٹیز اور کالجز, میں نے ایک دو کے بارے میں سنا بھی ہے کہ انہوں نے اپنے ماسٹرز کی ڈگریز کے اندر کچھ کریڈٹ آرز رکھ لیے, کہ اگر آپ سوشل ریسپانسبلٹی کا کوئی ایسا پروجیکٹ کریں گے تو ہم آپ کو اس گریڈز کے اندر اتنے پرسنٹ اس کا حصہ دیں گے. دس از ویری امپورٹنٹ. آئی تھنک اسکول لیول سے یہ چیز اسٹارٹ ہونی چاہیے کہ اس کے جو پاسنگ مارکس ہیں اس کے اندر سوشل ریسپانسبلٹی کے بھی کچھ گریڈز, کچھ مارکس وہاں پہ شامل ہونے چاہیے. تو آپ ایک اتنی بڑی یوتھ آپ کے پاس ہے, میں سمجھتا ہوں آپ لوگ دو تین ایریاز اگر ہم لوگ اسپیسیفکلی اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں کہ گریڈ فائیو تک ٹریفک اویئرنیس کے اوپر پروجیکٹس لانچ اسکولس کے اندر کر دیے جائیں اویئرنیس کے ساتھ, آپ کے پاس لاکھوں بچہ صرف اسکول لاہور کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو گریڈ فائیو سے آگے سکس ٹو ایٹ آپ انوائرمنٹ کے اوپر اسے سوشلی ریسپانسبل کر دیں, گریڈ نائن سے ٹین تک آپ اس کو جو انہوں نے پڑھا ہے اس ایجوکیشن کو لرننگ کو وہ دوسرے انڈر پرویلیج سوسائٹی میں جا کے اس کی شیئرنگ اسٹارٹ کر دیں. تو ایسے بہت سے پروجیکٹس آپ اسٹارٹ کر کے میرا خیال ہے بچوں کو سوشلی ریسپانسبل کر سکتے ہیں اور بڑا اچھا آؤٹ پٹ آپ ان بچوں سے لے سکتے ہیں سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے. ڈیفینیٹلی جناب بلال سے تو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے معائشہ کاشف نے بھی جوائن کیا ہے جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں, یو سی پی سے ان کا تعلق ہے. ویلکم ٹو دی شو, کیسی ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ ہم بات کر رہے ہیں سوشل ریسپانسبلٹی آف اسٹوڈنٹس, ہم ان کی ایجوکیشن پہ فوکس کرتے ہیں, بلال ابھی کہتے ہیں گریڈس ہماری ساری جو ایک دوڑ ہوتی ہے بچے کے اچھے گریڈز آ جائیں, کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر, لیکن ایٹ دا اینڈ ہم ان کی تعلیم و تربیت, کردار سازی, ان کی بیٹرمنٹ پہ کام نہیں کرتے. ایبسولیوٹلی, بینگ اے ٹیچر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آنے والے وقت میں جو ایک ٹیچر ہے اس کو ہائر کرنے سے پہلے اس کی ڈگری سے زیادہ اس کی ڈفرینٹ ادر کریکٹرسٹکس کے اوپر بھی زور دینا چاہیے ہائرنگ کے ٹائم کے اوپر, کہ کیا اس کے اندر وہ دوسری کوالٹیز موجود ہیں جو ایک اسٹوڈنٹ کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے ضروری ہے. بالکل, صرف پی ایچ ڈی کی ڈگری ہونا یا ایک باہر کی کوالیفیکیشن ہونا از ناٹ دا اونلی کرائیٹیریا. کیا وہ کلاس روم کے اندر آپ کو انٹرنلی موٹیویٹ اس طریقے سے کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے جو ایک انموٹیویٹڈ اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے؟ سم ٹائمس ٹیچر کے پاس نالج تو بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہ نالج صرف ایک بکش نالج ہوتا ہے, اور وہ نالج ٹھیک ہے, وہ ضروری ہے ہماری ڈگری کے لیے, لیکن وہ ایک کریکٹر بلڈنگ اور جو اس کے سوسائٹی میں رہنے کے لیے جو ایک چیز ضروری ہے وہ ہم اس تک ٹرانسفر نہیں کر رہے ہوتے. تو میرے خیال میں ریکروٹمنٹ پروسیس کے دوران یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں, اور ایک سائیکالوجسٹ کو بھی ساتھ ضرور بٹھانا چاہیے جو یہ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ وہ ڈگری ہولڈر تو ہے ہی ہے, کیا اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں جو ایک اسٹوڈنٹ کے
जिसको कहते हैं उसके करेक्टर की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। आशा शायद ये चीज़ें बहुत ग्रास रूट लेवल से शुरू होने की ज़रूरत है। अभी हम यही बात कर रहे थे कि पेरेंट्स खुद अवेयर नहीं है, या बच्चे को आप अपने जेस्चर से अपने एक्शन से वो चीज़ सिखा सकते हैं, चाहे वो करेक्टर बिल्डिंग हो उसकी या उसको डिसिप्लिन सिखाना है किसी भी तरह की, उसको जो कह लें आप वैल्यूज आपने देनी है, जब तक आप वो खुद शो नहीं करेंगे बच्चा उसको कभी भी अडेप्ट नहीं करेगा। एब्सोल्युटली बिल्कुल, अगर एक टीचर खुद क्लास में लेट आ रहा है तो वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे कह सकता है कि आप क्लास में पंक्चुअल हो? अगर वो खुद वो चीज नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली बात है आप वो टीचर एक मॉडल होना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के लिए। आप वो चीजें पढ़ा के चीजों को बच्चों के अंदर इम्पोज नहीं कर सकते जिस तरीके से वो आपको फॉलो कर रहा होता है। और ऑब्वियसली हमारा मजहब भी यही कहता है कि आप वो चीजें किसी के अंदर इम्पोज नहीं करते, बी अ रोल मॉडल फॉर देम। और ऑब्वियसली टीचर्स तो एक रोल मॉडल होना चाहिए उनके लिए। अच्छा बिलाल, अभी हमने बात की रिवॉर्ड की, अब बच्चे हम ग्रेड्स उनको अच्छी एजुकेशन देते हैं, बाहर से पढ़ के आए, एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन एट द एंड कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ जो क्राइटेरियाज हैं वो बड़े वेरी करते हैं समटाइम, जिसकी वजह से वो एक जो मोटिवेशन होती है या एक कह लें आपके अंदर जज्बा होता है किसी चीज़ का, वो बहुत लाज करता है। बिल्कुल करता है, लेकिन जैसे मैम ने अभी फरमाया कि बच्चे को अगर आप एक रोल मॉडल प्रेजेंट कर देंगे ना, उसे एक कम्प्लीट पैकेज बातों में तो बहुत नज़र आ रहा है, किताबों में बहुत नज़र आ रहा है, लाइव एग्जांपल उसे नज़र नहीं आ रहा है। उसे फर्स्ट ऑफ ऑल वो चाहिए होता है फॉलो करने के लिए। बिल्कुल लोगों की अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट होती हैं, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होती हैं, लेकिन उसे एक बेसिक चीज़ आपने अर्ली स्टेज पर समझानी है कि आप जिस मुआशरे में रह रहे हो उसके अंदर एक इन्वायरमेंट मौजूद है, उसके अंदर आपके साथ लोग हैं, वहाँ आपका बिहेवियर आपका वहाँ पर मैटर कर रहा है, आप जिस सोसाइटी में मूव करें उसके कुछ रूल्स कवानीन है, आपने उसको फॉलो करना है। आप मुझे बता दें कितने परसेंट हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से छोड़कर आप घर से शुरू कर लें कि ये टॉक हो रही है कहीं पर। सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होंगे सबके लिए, मेरा इंडिविजुअल उसके अंदर एक्शन क्या है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप पूरे इस्लाम से लेकर चीज बताएगी तुम अपने अमल के जिम्मेदार हो, दूसरे के जिम्मेदार है, हमें बता दी गई है चीज, हम वो बेसिक सीड उसमें बो ही नहीं पा रहे सोसाइटी के अंदर कि यार आपको माशरे में रहने के लिए अपनी जात से बाहर निकल कर वट एवर द केस, वट एवर द अपॉर्चुनिटीज, वट एवर द रिसोर्सेज, वट एवर द कंडीशंस यू आर फेसिंग, वो सबके साथ वेरी होंगी। अगर आप उस पर चलेंगे तो फिर तो कोई एक सेट पैटर्न आप डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। सेट पैटर्न ये डिफाइन करना है कि पूरी यूनिवर्स का मैकेनिज्म दो चीजों पर है, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ। हर जगह ग्रोथ हो रही है यूनिवर्स में एवरी टाइम, और हर दुनिया की मखलूक जितनी कायनात के अंदर वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। तो मैं बीइंग अशरफुल मखलूकात, मैं एक स्टूडेंट होते हुए मैं कंट्रीब्यूट क्या कर रहा हूँ? क्या सिर्फ मैं ग्रेड ले रहा हूँ बस खत्म होके? क्या ये सारा दिन में एक एक्टिविटी मेरी एजुकेशन हासिल करने की बस जिम्मेदारी थी? तो अगर आप उसके अंदर वो जिम्मेदारी पैदा नहीं करें कि स्कूल जाने तक, वापस आने तक, यूनिवर्सिटी जाने तक, वापस आने तक, सुबह से शाम तक, आपने सिर्फ यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं जाना, आपने राउट्स के ऊपर ट्रैवल करना है, आपने लोगों को मिलना है, आपने लोगों के बिहेवियर फेस करने हैं, उसमें मेरा किरदार क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरे किसी एक्शन से किसी को हार्म ना हो, मेरी किसी बात से किसी की दिलाजारी ना हो, मेरे रोड पे चलने से किसी को ट्रैफिक वायलेशन से कोई दूसरा डिस्टर्ब ना हो, मेरे घर में पहुंचने से पेरेंट्स की जो रिस्पेक्ट है उसमें किसी किस्म की कमी ना रह जाए, क्या ये पूरा पैकेज उसको कोई डिफाइन करके दे रहा है? कोई भी कहीं नहीं दे रहा। सुबह से शाम वो एक चीज़ सुन रहा है, नंबर आए हैं, जॉब अच्छी मिलनी है, नंबर आए हैं, जॉब अच्छी मिलनी है, तो आप आउटकम रिजल्ट क्या लेंगे फिर उस बच्चे से? वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा कि अच्छा मैं अच्छे नंबर लूंगा, वो अपना हर चीज में नफा नुकसान। और अगर आप इसे किसी ऐसे प्रोजेक्ट में, किसी ऐसे प्रोजेक्ट में उसको इन्वॉल्व करके देखें, वो जो फील करता है ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद, एक इनर सेटिस्फेक्शन है उसके अंदर सारे में। वो कहते हैं कुदरत ने लाखों रुपया कमाने में वो मजा नहीं रखा, तो चंद सौ किसी गरीब को देने में रखा हुआ है। आप उसे ये फीलिंग का एहसास दिला दें, फिर देखें वो बच्चा करता क्या है। हमारी जो SSR ट्रेनिंग वर्कशॉप होती है, हमारे पास कोई 100 का बैच आता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से, 10 डेज का प्रोजेक्ट के बाद हम फिर वो एक कलेक्शन सारी स्ट्रेशन की जब करते हैं, हम हर साल इन स्टूडेंट्स के थ्रू 20,000 स्टूडेंट्स को फ्री स्टेशनरी बैग्स प्रोवाइड करते हैं। फ्री स्कूल स्टेशनरी किट्स होती हैं, और हमने कुछ 100+ स्कूल्स अडॉप्ट किए हुए इन स्टूडेंट्स की वजह से तो किए हुए। आप इतना बड़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर मिस करके इतनी बड़ी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं ना स्टूडेंट, इतनी बड़ी एनर्जी, मतलब क्लास 1 ग्रेड से 10 तक वो सिर्फ एक तालीम और ग्रेड्स के ऊपर लगा हुआ है। आप इस एनर्जी को थोड़ी सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरफ डाइवर्ट करके देख लें, गवर्नमेंट लेवल पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दें आप, आपको ट्रैफिक अवेयरनेस 2-3 चीजों के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर, और ये बच्चा जो पढ़ रहा है ये अंडरप्रिविलेज क्लास में एक फ्री टाइम वहां पे अपना दे दे, जो पढ़ा है उसको आगे पढ़ाना शुरू कर दे अपने अपने लेवल पे। आप एजुकेशन, आप ट्रैफिक के ऊपर, माशरे में एक पीसफुल सोसाइटी रोड्स के ऊपर आपको नजर आएगी। आपको एनवायरमेंट का जिम्मेदार हर शहरी है, आपको उसको बताना है कि आपको अपने रिसोर्सेज भी रिजर्व करने, आप उससे बात ही नहीं कर रहे बाय रिड्यूसिंग योर कंजम्पशन, आपने आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को संभालना है,
उसके ऊपर बात ही नहीं की जा रही किसी चीज के ऊपर। आप इस स्टूडेंट की एनर्जी को ग्रेड से थोड़ा सा निकाल के निकाले मत, उसके साथ चीज में साथ से जिम्मेदारी पैदा करके देखें। आपको माशरे में ना तो इन एनजीओ की जरूरत पड़ेगी, आप ना तो गवर्नमेंट को ब्लेम करना भी छोड़ देंगे। ये स्टूडेंट इतनी बड़ी एनर्जी है और हम ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं जस्ट टू फोकस ऑन ग्रेड्स, जस्ट टू फोकस ऑन ग्रेड्स, बहुत डिफरेंट हो गई। आप उसे बता ही नहीं रहे कि आपके कंधों पे कुछ जिम्मेदारी भी है। मेरा बच्चा घर में ग्लास मत उठाए, इसको बाहर गर्म हवा ना लग जाए, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। बिल्कुल, और अब तो आयशा वाकई ऐसे नहीं गुजरती। जब तक आप एहसास जिम्मेदारी उनके अंदर, शायद हम पेट्रियोटिज्म के कुछ उस हिस्से में हैं, लेकिन हमसे पहले लोग बहुत ज्यादा थे। Exactly. आइंदा आने वाली जनरेशन इतनी नहीं है। मैं जब अपनी बिगनिंग की क्लासेस लेती हूँ तो मैं पहली क्लासेस में उन्हें बताती ही यही हूँ कि आप यहाँ पे ये मत सोचें कि यू आर हेयर टू रिसीव एजुकेशन, यू आर हेयर टू क्लेम एजुकेशन। ये बहुत एक बेसिक डिफरेंस है जो बच्चों के माइंड के अंदर है कि हम यूनिवर्सिटी में आए हैं या स्कूल में आए हैं, वी आर हेयर टू रिसीव एजुकेशन। रिसीव एजुकेशन से आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट आता है कि हम बस ऐसे करके बैठे होंगे एंड समबडी इज देयर टू गिव अस एजुकेशन इन अ प्लेट। टीचर आएगा, लेक्चर देगा और हमारे माइंड में वो चीज़ घुस जाएगी, नोट्स आएंगे, हम वो लिखेंगे और वी आर हेयर टू रिसीव एजुकेशन। व्हेन वी गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लेमिंग एजुकेशन, तो इसका मतलब है यू हैव टू क्लेम एजुकेशन, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट एवर द एक्शंस यू विल बी परफॉर्मिंग इन द यूनिवर्सिटी। फॉर दैट आप अपने तमाम एक्शंस के रिस्पॉन्सिबल हैं, अपनी असाइनमेंट्स के, अपने क्विजेस के, अपने तमाम चीज़ों के। फिर आपको जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपको जो मुश्किल से मुश्किल टास्क मिलेंगे, वो आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। तो रिसीव एजुकेशन और क्लेम एजुकेशन का डिफरेंस मैं पहली क्लास में बताती हूँ उन्हें। तो ये चीज़ जो है ये बच्चों के माइंड में होनी चाहिए कि आप यहाँ पे रिसीव करने नहीं आए हुए। और आयशा मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आप आपका एजुकेशनिस्ट हैं, आपको आइडिया होगा, आप जब रोज़ डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करती है स्टूडेंट से, कितनी मेजॉरिटी है जो क्लेम करने आती है, रिसीव करने नहीं आती? देखिए ये डिपेंड करता है कि उन्हें टीचर्स का कैसा एक आउटफ्लो मिला है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कि बहुत अब अच्छे टीचर्स ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज में आ रहे हैं। टीचर्स अच्छे आपकी ज़िंदगी में आ जाएं तो आपकी ज़िंदगी संवर जाती है। और बहुत से टीचर्स हैं जो आपका माइंडसेट चेंज कर देते हैं। दो किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, जो एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ आते हैं और एक होते हैं जो फ्लेक्सिबल माइंडसेट के साथ आते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे जो आइडियाज़ हैं वो चेंज नहीं होंगे, हम ये हैं और बाहर की एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो हमें ऑपरेट कर रही हैं। मैं तो तैयारी करके आया था, फोटोकॉपियर खराब हो गया और इस वजह से मेरा पेपर खराब हो गया। और जो फ्लेक्सिबल माइंडसेट के लोग होते हैं वो अपनी राहें खुद बनाते हैं। तो जो फ्लेक्सिबल माइंडसेट के लोग होते हैं वो ऑब्वियसली उन टीचर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो फिर क्लेम करने की बात से फिर उनके माइंड के अंदर चेंजेस आती हैं। ठीक सर, बिलाल अभी उन्होंने कहा जो फ्लेक्सिबल माइंडसेट के साथ आते हैं, और आजकल की हमारी जनरेशन, क्योंकि हम अभी यूनिवर्सिटी लेवल को डिस्कस करें तो इनिशियली उनके माइंडसेट्स बहुत, वो कहें ना, फिक्स्ड हो चुके होते हैं एक ही ट्राइड, उनको थोड़ा सा भी मोल्ड करना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, बहुत चैलेंजिंग होता है। और इस एज में आके मेरा ख्याल आपकी हैबिट्स हो, आपके रवैये हो, आपकी साइकी हो, वो मजीद पॉलिश तो हो सकती है उस बेस पे जो बन गई है, वो बदलना बहुत, इट्स क्वाइट टफ। उस लेवल के ऊपर तो वाकई चेंज है, इसलिए हम बात करें कि इनिशियल लेवल पे समथिंग मिसिंग, जिसे हमें उस गैप को फिल करना होगा। और वो गैप तब फिल करना होगा जब आप उसे एक ब्रॉडर विजन देते हैं ना, उसकी प्रेजेंस का, उसकी जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो उससे फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो जो डिफरेंट फैक्टर्स ओपन होने, वो इन चीज़ों पे फिर आप देखिएगा आपकी एजुकेशन पे भी आपको रिस्पॉन्सिबल नजर आएगा। आप उसे एक चीज़ को इतना बड़ा करके दिखा रहे हैं, उसके लिए वही एक जिंदगी का एक अजाब बन के सामने शायद रहेगी, सॉरी कि यार ये पता नहीं, ये ग्रेड्स नहीं है तो दुनिया में कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। आप उसे एक चीज़ क्यों नहीं समझा पा रहे कि जिस बात पे मैं बार बार फोकस करना चाह रहा हूँ, 10 साल ग्रेड 1 से मैट्रिक तक, आप यूनिवर्सिटी तो आगे बहुत अगली चीज़ है सारी, आपको ये चीज़ उसे बतानी पड़ेगी, वरना आप इस माशरे को तबाही के दहाने पर ला के आप खड़ा कर देंगे कि उसे उन 10 सालों में अगर उसको चीज़ों में जो 2-3 फैक्टर सोसाइटी के अंदर हैं
उसे बताएं प्लीज कि आप अपनी एजुकेशन के अलावा अपने एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्सिबल हो आप, प्लीज ये फिक्स माइंड शुरू से कहीं पर उसको फ्लेक्सिबल बनाना है। अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, उसको इन रूल्स के ऊपर अवेयरनेस आपको देनी है यहाँ के आप बने हुए। आप एक चीज अगर इस बच्चे से 10,000 से ज्यादा स्कूल लाहौर के अंदर है, मैं सिर्फ स्कूल की बात कर रहा हूँ। अच्छा बिलाल सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे इस बात को यहीं से कंटिन्यू करना है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हम इसी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर।